हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल फास्ट सॉल्वर में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी नंबर को 2 सेकंड में बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए चलिए देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 2 के 2 का रूल्स क्या है, कोई भी नंबर 2 से डिविजुअल है या नहीं, उसे हम कैसे पता करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट 0 या इवन नंबर 2, 4, 6, 8। ठीक है दोस्तों, इवन नंबर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट या तो माने कोई भी नंबर 2 से डिविजुअल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, लास्ट का यूनिट डिजिट, हम लास्ट का यूनिट डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट का यूनिट डिजिट 0 या कोई भी इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 अगर ये मिल जाए तो वो नंबर 2 से डिविजुअल होगा, वो नंबर जो है 2 से डिविजुअल होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 5, 2, 7, 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों, लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, 8 है, जो कि इवन नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नंबर है 2 से डिविजुअल होगा ये। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरा लेते हैं। मैंने लिखा 4, 6, 2, 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या दोस्तों, 0 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ऊपर मैंने क्या लिखवाया था कि लास्ट यूनिट डिजिट 0 या कोई इवन नंबर, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो ये नंबर क्या है, ये जो नंबर है 2 से डिविजुअल होगा। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट देखना है, अगर लास्ट यूनिट डिजिट 0 या कोई भी इवन नंबर मिल जाए तो वो नंबर जो है 2 से डिविजुअल होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलिए देखते हैं 3 का, कि 3 का रूल्स क्या है, कि कोई भी नंबर 3 से डिविजुअल है या नहीं है, उसे हम कैसे पता करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का मतलब ये हुआ कि जितने भी डिजिट का नंबर है उन सभी डिजिट का सम करना है, मतलब प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, प्लस करके जो भी आएगा, वो जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिविजुअल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 4, 9, 2, 3। ठीक है दोस्तों, अब ये एक नंबर है, अब ये नंबर देखिए कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का। अब इन सब 4 डिजिट का हमें क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 + 9 + 2 + 3। हमने दोस्तों प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला अभी कि सम ऑफ डिजिट मतलब जितने भी डिजिट का नंबर है उन सभी सम डिजिट का हमें सम करना है। तो सम किया, जब इन सभी डिजिट का हम सम करेंगे तो 3 2 5 5 9 कितने में 40 या 14, ये 4 कितने में दोस्तों 18। 18 क्या दोस्तों, जो कि 3 के टेबल में आता है। ठीक है दोस्तों, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 9, 6, 4, 5। ठीक है दोस्तों, अब इन सब का प्लस करना है, सम करना है, तो 9 + 6 + 4 + 5। जब इन सभी का आप प्लस करेंगे तो इनका प्लस करके आएगा 24। ठीक है दोस्तों, 5, 4, 9, 9 और 6, 15, 59, 24, जो कि 3 से डिविजुअल है। ठीक है दोस्तों, मैंने कोई भी नंबर 3 से डिविजुअल है या नहीं है, अगर 3 से डिविजुअल है या नहीं है, उनको पता करने के लिए सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इन ये तरीका है ये, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों,